हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आप लोग देख के मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि इस चैनल पे आपको पहले कोई और दिखता था और सडनली मैं Amazing. तो हाँ, आज से मैं इस चैनल के साथ में कोऑपरेट करने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉगिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कॉलेज लाइफ की इमेजिनेशन कुछ और करते हैं और हमें कुछ और मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो कॉलेज लाइफ को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग समझा था, मुझे वैसी मिली नहीं। तो आइए जानते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों से कि उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ को किस तरह से इमेजिन किया था और उन्हें किस तरह से देखने का मिल रहा है। तो हमें वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। सो हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग बेसिकली एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें हम लोग आपका एक्सपीरियंस जानेंगे कि आपने कॉलेज लाइफ को पहले कैसा सोचा था और अब आपको कॉलेज लाइफ कैसे देखने को मिल रही है। आपका नाम क्या है? आशना। आपने कॉलेज लाइफ को किस तरीके से सोचा था और आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है? मैंने सोचा था कि थोड़ा फन होगा, हमें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये फ़न की चीज़ें तो ना हम सब लोगों ने सोची थी कि हमें फ़न ही फ़न करने को मिलेगा, बट फ़न का एफ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका नाम? हाय, दीक्षा। तो मेरे साथ है दीक्षा। ये उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कॉलेज लाइफ को सोचा था और उन्हें किस तरीके से देखने को मिल रही है। लाइक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ सोची थी कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जैसे टीवी में देखते थे कि कॉलेज लाइफ इंजॉय करेंगे, बट नथिंग, कुछ भी नहीं है वैसा। बट चलो, फर्स्ट डे आज मेरा, तो इन्जॉय कर रहे हैं। अब मेमोरीज तो बनानी है। बिल्कुल, मेमोरीज तो बनानी है। तो हम लोग फिल्म एंड विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट के बाहर आ चुके हैं। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आपका नाम? इशिका। तो मेरे साथ है इशिका। आइए जानते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस कॉलेज को लेके कैसी थी और इन्हें रियलिटी में कैसे देखने को मिल रहा है। कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी ही थी और रियलिटी में अभी 2 ही दिन हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो क्लासेस अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, लाइक एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बाकी ह्यूमिडिटी बहुत है बस वही एक इशू है, बाकी सब तो अच्छा है। तो इनकी तरफ से कॉलेज एक्सपेक्टेशंस को थम्स अप। तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ इंसानियत का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, तो चलिए इस एंट्रेंस में चलते हैं और खोजते हैं अगले विद्यार्थी को। चलो चलो। तो हमें अगला विद्यार्थी मिल चुका है, चलिए उनके पास। आपका नाम क्या है? शिवम। तो आइए शिवम से जानते हैं कि उन्होंने कॉलेज के बारे में क्या सोचा था और उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। तो शिवम, अपना एक्सपीरियंस बताइए। कॉलेज के बारे में मैंने सोचा था कि अच्छी कॉलेज होगी, जो कि है अच्छी कॉलेज। पढ़ाई की बात की जाए, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और बाकी बात जब मैं यहाँ के डिसएडवांटेजेस बताऊँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ही पता है तो मैं ज़्यादा लेता नहीं, क्योंकि हर कॉलेज में ज़्यादा डिसएडवांटेज देखनी चाहिए। तो मेरे को सबसे अच्छी यहाँ पे डिसएडवांटेज ये लगती है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल के वे में पढ़ाया नहीं जाता। जो स्टूडेंट है, डोंट नो हाउ टू हैंडल द कैमरा अभी तक। और जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ये क्या चल रहा है अभी तक। हम सिनेमेटोग्राफी 2-3 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कैमरा हैंडल करने नहीं आई है। मुझे शिवम से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, थैंक यू वेरी मच अपने फीडबैक शेयर करने के लिए हमारे साथ। या थैंक यू। तो वापस हमें एक और ग्रुप मिल चुका है यहाँ पे कॉलेज के अंदर, तो हम इनसे बात करेंगे और इनके रिव्यूज़ जानेंगे। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सा डिपार्टमेंट? BCA। क्या एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से और रियलिटी में आपको क्या मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था कि कैंपस यहाँ का बहुत अच्छा होगा, तो कैंपस वेरी ऑनेस्टली यहाँ पर बहुत अच्छा है। एंड अगर हम बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें और बाकी चीज़ों की बात करें, सो एट टू वन पॉइंट दीज आर फाइन एंड एट टू वन पॉइंट दीज आर नॉट फाइन टू, ठीक है। बिकॉज हर एक चीज़ की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होती हैं, ऑफकोर्स। और यहाँ पे कि फूड सिस्टम कैसी है, जैसे आप ब्रेक में लंच वंच के लिए निकलते हो, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहती है? मतलब बेसिक है या फिर बहुत ज़्यादा महंगे है या फिर नॉर्मल है? अगर यहाँ पर हम वैसे फूड की बात करें तो नॉर्मल रहता है, ठीक है। एंड जो बाहर हमें जो क्वालिटी ऑफ फूड है, आई थिंक सो दैट इज़ मच बेटर अकॉर्डिंग टू द हॉस्टल्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो हॉस्टलर। एंड हमें हॉस्टल में जिस तरीके का फूड प्रोवाइड होता है, दैट इज़ नॉट लाइक नॉट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस। एंड अगर मैं आज के ही खाने की बात करूं, सो यू आर नॉट इवन दैट सेटिस्फाइड एंड कई बार तो खाने का मन भी नहीं करता। हॉस्टल की तो बात से याद, खाना तो हम भूल ही छोड़ देते हैं क्योंकि हॉस्टल में खाना कभी अच्छा होने वाला नहीं। और कॉलेज की बात, हॉस्टल की बात आई तो हॉस्टल से हम वाइब की बात करते हैं। हॉस्टल में वाइब कैसी है CU की? हॉस्टल की कुछ ऐसी वाइब के बारे में बताओ जिससे लोग ऐसे अट्रैक्ट हो कॉलेज से कि हाँ चलो मेरे को हॉस्टल में रहना, क्योंकि वहाँ की वाइब अच्छी होती है। हॉस्टल एक ऐसी वाइब, वैसे तो हमने जितना देखा है कि आजकल एक बहुत अच्छी वाइब भी देता है, एंड मतलब कि जब आप रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, बिकॉज आप अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो के यहाँ पर आ रहे हो, एंड आपको पता चलता है कि अकेले रहने में कैसे लगता है। एंड ऑल्सो जब फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ चिल सीन, है ना। एंड आपको ये भी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है कि कैसे आप उनके साथ एडजस्ट करते हो। एडजस्टमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट लर्न्स ओवर है। और यहाँ पे मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे कि मैनेजमेंट और टीचर्स की जो बिहेवियर है आपके साथ वो कैसा था, ऑनलाइन कैसा था? ऑनलाइन जब कुछ दिन पहले ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, अभी कंप्लीट ऑफलाइन हो चुकी है, तो जो ऑफलाइन में बिहेवियर कैसा है? तो अभी ऑफलाइन में बिहेवियर इट्स फाइन, ठीक है, मतलब इट्स आई वुड से दैट इट इज़ इंटरमीडिएट एंड इट वाज मोस्टली इट वाज द सेम एज दे वर गिविंग अस ऑन द ऑनलाइन, सो दैट इज़ कंपैरेटिवली दैट मच। ओके, थैंक यू। हमें एक और स्टूडेंट मिले जो CSE डिपार्टमेंट से है, तो अगर आप CSE डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो CU में तो रिव्यू जान लो और देख लो कैसा रिव्यू होने वाला है। तो क्या नाम है आपका? या माय नेम इज़ कोमल। और क्या एक्सपीरियंस रहा CSE डिपार्टमेंट? CSE में जैसे बेसिकली वी हैव यू नो टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, दैट इज़ जनरल CSE एंड द सेकंड वन इज स्पेशलाइजेशन। सो आई एम फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड इट्स माय सेकंड ईयर नाउ। सो अगर हम बोले तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ज्वाइन करें, एंड यू नो यू गेट अ चांस टू ज्वाइन इट आफ्टरवर्ड्स। अगर आप जनरल CSE के हो एंड आपको स्पेशलाइजेशन लेना है तो आपको बाद में चांस मिलता है फर्स्ट ईयर के बाद। सो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने नहीं ज्वाइन किया पहले ईयर में CSE, you know you took it general and you want a specialization now, you could do it, and ऐसा कुछ खास difference नहीं है। Even general CSE students also get a chance to cover all the domains of the CSE, so you don't need to, if you are you know vibrant enough to learn anything then I think you're good to go। और how much about crowd के बारे में क्या कहना है? जैसे आपके कॉलेज में आ रहे हो तो क्राउड कैसा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है या फिर नॉर्मल है? नहीं, क्राउड तो बेसिकली बहुत ज़्यादा। अभी तो वी आर हैविंग द क्लासेस फॉर यू नो थर्ड एंड फोर्थ ईयर एंड स्टिल अभी हम देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। यू नो कैंपस सीम्स टू बी सो यू नो क्राउडेड एंड इट्स जस्ट कि इंसान को देखने में भी यू नो बहुत दिक्कत हो रही है चीज़ों को सॉर्ट करने में। सो अभी तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चों का आना पूरा अभी बचा भी है। सो बेसिकली आई थिंक कि CSE के स्टूडेंट्स इस बार भी यू नो 20,000 नियर अबाउट 20,000 हैव एनरोल्ड इन CSE कोर्सेज, सो देयर इज़ मोर कॉम्पिटिशन एज द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। और ऐसा कोई मैसेज जो अगर नेक्स्ट कोई बच्चा अगर ज्वाइन करने वाला है CU को, तो उसके लिए कोई ऐसा मैसेज कि या तुम ज्वाइन कर सकते हो या फिर तुम इन बातों को ध्यान में रख सकते हो? हाँ, बेसिकली देर आर सम क्राइटेरिया आई थिंक CSE स्टूडेंट्स फेस, दैट इज़ कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, यू शुड गो एंड आस्क सम सीनियर्स एंड यू शुड नो इन द फर्स्ट वीक्स इटसेल्फ कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप अपना यू नो सब्जेक्ट्स चूज़ करना है, एंड दैट वुड हेल्प, क्योंकि बाद में रिग्रेटिंग कि आपने वो चूज़ नहीं करा जिसमें आपको इंटरेस्ट था तो फिर तो बहुत लेट हो जाती है। एंड यू नो एज मैंने यहाँ देखा एडमिनिस्ट्रेशन में कि फिर बाद में आपको यू नो ऑफिस पे इधर उधर फिर ट्रैवल करना होता है, यू नो प्लीडिंग एवरीवन कि मेरे को चेंज करना है, तो आई थिंक यू शुड डिसाइड इट अर्ली। ओके, थैंक यू। तो हम लोग अभी फाउंटेन से लेफ्ट साइड को आ चुके हैं। यहाँ पे हमें मेरे को एक और दोस्त मिले हैं, उनसे जानेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है उनका और क्या वो कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और अब क्या है? एक्सपेक्टेशन बस एक ही थी कि हमें लगा था चंडीगढ़ में रहेंगे, चंडीगढ़ की लाइफ जिएंगे, पर यहाँ के देखा तो यूनिवर्सिटी खरड़ में निकली, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर पर। हाँ, सबसे बड़ा यही दुख लगा। ओके। और ऐसे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी जैसे आपको लगा हो कि आपकी जो ये थी कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे या फिर ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ये बट कुछ ऐसा मिला नहीं? अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि दोनों ही सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन निकले हैं। ये पहला सेमेस्टर जो ऑफलाइन है, मतलब पहले ऑफलाइन पहली बार आ रहे हो कॉलेज। हाँ, तो ये यहाँ पे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही पैसा खर्च हुआ है, बस पैसा खर्च चीज़ों पर तो नहीं है, लगता इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, बाकी चीज़ों पर तो नहीं लगता कि हुआ है। और टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं? टीचर्स सही पढ़ाते हैं, लेकिन वही है ना, ब्लाइंडेड मोड है, ब्लाइंडेड BPT से पढ़ाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन का। एक चीज़ हो जाए ना, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट ऑफलाइन हो चुकी है और कुछ कुछ अभी ऑनलाइन है। नहीं, हमारा कंप्लीट ऑफलाइन है, पर फिर भी PPT से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं PPT से पढ़ा रहे हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ, कह सकते हैं साफ तो नहीं कह सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। और वो क्या होता है उसको, टीचर्स वगैरह का जो बिहेवियर है वो कैसा है? सब कुछ सही होता है। अच्छा, और पैसे दे रहे हो सही हो। कुछ ऐसा जो केमिस्ट्री या इन फ्यूचर लेने वाले CU में, उनके लिए कोई मैसेज? भाई, लेना तो अपने बलबूते पे लेना, टीचर्स के चक्कर में मत रहना। टीचर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, टीचर्स तो नहीं, बस यही कहूँगा। चलो, थैंक यू। तो हमने शेयर किया, कुछ बच्चों से बात की और उनकी रिव्यूज़ शेयर किए हैं आपसे। तो देखो और हमें बताओ, कमेंट करके बताओ कि और किस किस डिपार्टमेंट्स की और आपको रिव्यू चाहिए। तो पहले लाइक मांग ले तो बताना मेरे को कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट के हम आपसे शेयर करें और क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या जाना है, सारे कमेंट करके बताओ। हम और भी कुछ दिनों में रिव्यू लेंगे, वो सारा उस पर पोस्ट करेंगे। हाँ तो मिला ले, अभी चल गया, कल मिल जाओ मेरे को।